स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिफेंस ब्रिज के अंदर गाइज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिस करवा रहे थे क्वेश्चनों की, तो आज मैं कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। उसमें टाइप भी है और क्वेश्चंस भी हैं साथ साथ, तो आज वही करवाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो, तो भाई पहला क्वेश्चन, मतलब पहली टाइप हमारी कि हम ये दे रखा हो एक्स एक्स प्लस में 1/x इज इक्वल टू हमें 2 cos थीटा, ठीक है? तो एक्स स्क्वेयर प्लस में 1/x² इज इक्वल टू होगा 2 cos 2 थीटा के। ये कैसे होगा ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है? चलो तो प्रूव करते हैं कैसे होगा। देखो, मैंने बोथ साइड स्क्वेयर कर दिया, बोथ साइड स्क्वेयर किया तो एक्स स्क्वेयर अपॉन 1/x² प्लस में 2 इज इक्वल टू मी 4 cos² थीटा, ठीक है? 2 को मैं साइड लेके गया, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² इज इक्वल टू मी 4 cos² थीटा माइनस 2। मैंने 2 को मान लिया तो ये क्या बच गया, 2 cos² थीटा माइनस 1, ये इक्वल टू होता है cos 2 थीटा के, तो ये क्या हो गया 2 cos 2 थीटा, ठीक है? अब देखो, अगर इसकी जगह आ जाए एक्स क्यूब अपॉन 1/x³ इज इक्वल टू होगा 2 cos 3 थीटा के, इसकी जगह जाए हमारा एक्स की पावर 100 प्लस में 1/x² तो ये इक्वल होगा 2 cos 100 थीटा के। जितनी सी पावर बढ़ती जाएगी यहाँ पे इतना बढ़ता जाएगा, जितनी पावर यहाँ पे होगी इतनी पावर यहाँ पे होगी, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ये एक टाइप है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन होते, करने में इजी होते, दिखने में बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है? एक सेकंड रुको। तो चलो अगला क्वेश्चन, अगले टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ये सारे टाइप मिसलेनियस टाइप की टाइप है, क्योंकि इनमें क्वेश्चन आते हैं, लगभग क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, क्योंकि ये टाइप इंपॉर्टेंट भी है। देखो अगला, देखो अगर हम ये दे रखा हो tan थीटा प्लस में tan 60 प्लस थीटा माइनस tan 60 माइनस थीटा, ठीक है? ये हमारी कुल होती है, मैं आपको पहले बता दूं, 3 tan 3 थीटा, ठीक है? ये इक्वल होती है 3 tan 3 थीटा, क्या है, tan थीटा प्लस में tan 60 प्लस थीटा माइनस tan 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है 3 tan 3 थीटा के। अब देखो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, अगर हमें ये दे दें, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेन टेन प्लस में टेन 70 माइनस में टेन 50 इक्वल किसके होगा, इक्वल होगा 3 tan 3 into में थीटा, तो देखो ये क्या होगा 3 tan 30, और टेन 30 कितना होता है √1/3, तो इक्वल हो गया। ऐसे क्वेश्चन साफ साफ पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन दिखने में बहुत ही हार्ड लग रहे हैं, बट इनका अगर हमें ये पता चल जाए कि 3 tan θ के इक्वल होता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है, ठीक है? उसके बाद अगला टाइप भी है ये, सर लगभग सब ये अलग से टाइप है, आपको याद ही रखना पड़ेगा इसको, वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लिया करो आप सब, ठीक है? उसके बाद देखो, एक साइन थीटा इंटू में साइन 60 प्लस में थीटा इंटू में साइन 60 माइनस थीटा, ये किसकी इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल होता है 1/4 sin 3 थीटा के, ठीक है? साइन थीटा इंटू में साइन 60 माइनस थीटा इंटू में साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू है तो 1/4 sin 3 थीटा के इक्वल होता है, ठीक है? ऐसे इसमें क्वेश्चन देखो आप, साइन 10 साइन 70 और साइन 50 इसका आंसर बताओ। अब एक बात बताओ आप, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको रियलिस्टिक में दे दिया जाए कि साइन 10 साइन 70 और साइन 50, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके दिखाओ, अगर आपको ये नहीं पता होता है तो कर देते आप इसको सोल्व, बहुत हार्ड हो जाता आपके लिए, तो इसलिए ये चीज़ें काम आती है आपकी। 1/4 sin 30 और साइन 30 कितना होता है 1/4 sin 30 1/2 इज इक्वल टू मी 1/8, दैट इज अवर आंसर। करने को हम इसको भी कर सकते थे, साइन सी इंटू में साइन डी, ठीक है? नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन वैसे भी हो जाता आपका, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दे, टू से डिवाइड कर दे, टू साइन के नाम टू साइन ए इंटू में साइन बी, उस तरीके से हो जाता है क्वेश्चन।
लेकिन बहुत हार्ड हो जाता है क्वेश्चन सोल्व करना आपके लिए, ये तरीके से आपको आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, जितनी भी मैथ्स टाइप करवा रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट है। कोस थीटा, कोस 60 प्लस थीटा, कोस 60 माइनस थीटा, ये इक्वल होगा 1/4 कोस 3 थीटा के। अगर सेम क्वेश्चन इसमें पूछा जाए कि कोस 10 इंटू में कोस 70 इंटू में कोस 50, ये किसकी इक्वल होता है, ये 1/4 कोस 3 इंटू में 10 मीन्स 1/4 कोस 30 कितना होता है, रूट 3/2, तो ये हमारा आंसर। अगर रूट 3/8 दैट इज आवर आंसर। इतने आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं जब अगर आपको पता होता है कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। अगर ऐसे अगर लगे रहोगे ना आप इसके 2 मल्टीप्लाई करके 2 डिवाइड करके करते सोल्व करते चाहोगे तो कम से कम आपका 20 मिनट लग जाएंगे ऐसे क्वेश्चन करने, 20 मिनट ना तो 10 तो लग ही जाएंगे भाई आपके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखो, एक सेकेंड रुको, चलो देखो उसके बाद, उसके बाद हमें दे दिया कि टेन 60 माइनस थीटा इंटू में टेन 60 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा टेन 3 थीटा, इसके 1/4 नहीं आएगा, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद हमें पूछ लिया जाए कि कोट थीटा, कोट 60 माइनस थीटा इंटू में कोट 60 प्लस थीटा, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा कोट 3 थीटा के। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, कोट 3 थीटा के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद देखो, उसके बाद अगर भाई हमें पूछ ले कि हमारा टेन 3 थीटा है, इसकी एक थ्योरम बनती है, वो थ्योरम करवा देता हूँ आपको। टेन 3 थीटा को हम ये लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस में 2 थीटा। ठीक है, देखो आगे, टेन थीटा प्लस में टेन 2 थीटा, यहाँ पे 1 माइनस में टेन थीटा इंटू में टेन 2 थीटा, मल्टीप्लाई करो, टेन 3 थीटा माइनस टेन 3 थीटा इंटू में टेन थीटा इंटू में टेन 2 थीटा इज इक्वल टू में टेन थीटा प्लस में टेन 2 थीटा। यहाँ पे अब देखो, टेन 3 थीटा है इधर, टेन थीटा प्लस टेन 2 थीटा, इसको हम इधर लेके आएंगे और इसको उधर लेके जाएंगे, तो वो ये पॉजिटिव बन जाएगा, वो नेगेटिव बन जाएगा, तो क्या जाएगा हमारा, टेन 3 थीटा माइनस में टेन थीटा माइनस में टेन 2 थीटा इज इक्वल टू में टेन थीटा, टेन 2 थीटा और टेन इसके कुल। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाता, कैसे पूछेंगे आपसे कि यहाँ पे हमें दे देंगे कि यहाँ पे हमें कोई ऐसी कोई टर्म दे देंगे, मतलब टेन कुछ भी दे देंगे 3 की टर्म में, उससे हमें ऐसे आंसर पूछा जाएगा ऐसा, तो हम इसमें पुट करके केवल ऐसा दे देंगे यहाँ पे 30 टेन और 20 इसका आंसर बताओ, तो यहाँ पे होगा 30 टेन और 20, साफ साफ हो जाएगा। या ऐसे कर लो ये 180 60 और 120, तो यहाँ पे 180 60 120 इसका आंसर आ जाएगा साफ साफ आपका। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, वो चीज़ें पूछी जाएंगी आपको यहाँ, जैसे ऐसी टर्म दे देंगे तो ऐसे पूछ लेंगे, ऐसी टर्म दे देंगे तो ऐसे पूछ लेंगे, आंसर में आंसर के हिसाब से करना रहेगा। ठीक है, चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, मतलब लगभग सब टाइप ही तरीके से हैं, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको पिछली टाइप के बेसिस पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आया है, टेन 12 इंटू में टेन 24 इंटू में टेन 48 इंटू में टेन 84। मैंने क्या किया भाई, मैंने इस टर्म को साथ ले लिया, कैसे लिया, क्यों क्यों लिया, रीज़न बताओ इसका। इसका मैंने रीज़न ये लिया कि मेरे को ये लग रहा है कि ये टेन थीटा, टेन 60 माइनस थीटा और टेन 60 प्लस थीटा वाले टर्म बना सकता हूँ, क्योंकि टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा ये तो बन रहा है, तो आ जाओ भाई देखो, पहली बार पहले तो आपको समझ नहीं आएगा लेकिन बाद में आपको समझ में आने लग जाएगा कैसे आएगा। देखो, टेन 12 टेन 48
और मैंने 10 72 से मल्टीप्लाई कर दिया और 72 से ही डिवाइड कर दिया। इसका क्या फायदा मिलेगा हमें, इसका फायदा क्या मिलेगा, इसका फायदा ये मिलेगा कि हमारे ऊपर वाले टर्म वो ये बन गई 10 थ्री थीटा की कुल, मीन्स ये टर्म बन गई हमारी 10 12 तीय 36 और नीचे क्या आ गया हमारा 10 72। अब देखो क्या क्या बच गया, 10 24 बच गया, 10 84 बच गया। अब मैंने क्या किया इसमें 10 24 10 60 माइनस थीटा अगर 24 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 36 और 10 24 जोड़ेंगे तो 84 बन गया अपॉन में 10 36 क्योंकि हमें इससे मल्टीप्लाई किया इससे डिवाइड करना पड़ेगा तो ऊपर क्या बच जाएगा 10 36 थी 72 तो 10 72 अपॉन में 10 36 तो 36 कैंसिल 72 से 72 कैंसिल तो हमारा आंसर आ गया 1 इस क्वेश्चन का। दिखने में कितना हार्ड क्वेश्चन लग रहा था करने में बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप वैसे करना चाहो तो 10 वो तरीका आपको बहुत हार्ड पड़ जाएगा इसमें, तो चलो वो रहने दो आप यही तरीके से करना कर दो ठीक है इस क्वेश्चन को। ऐसे तरीके मतलब आपको इजी रहेंगे क्वेश्चन करने के लिए, बहुत इजी रहेंगे ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन और देखो, अगला क्वेश्चन बहुत बार मतलब एनडीए में आपके मतलब ऑब्जेक्टिव तो छोड़ो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो मैंने क्या दे दिया, देखो हमें क्या दे दिया साइन एक्स प्लस में वाई साइन एक्स माइनस में वाई इज इक्वल टू है ए बाई बी के ना, और फाइंड करना है फाइंड टेन एक्स अपॉन में टेन वाई। तो भाई हमें दोनों जगह टेन है ऊपर भी और नीचे फाइंड करने के लिए, तो हमें यहाँ पे ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा कि यहाँ पे टेन आ जाए कि मीन्स इसके नीचे कोस आ जाए और इसके नीचे भी कोस आ जाए, तो वो तभी हो सकता है जब हमारा कंपाउंड डिविडेंड लगाएं तब। और कंपाउंड डिविडेंड क्या होता है देखो, इफ ए अपॉन में बी इक्वल है सी बाई डी के, तो कंपाउंड डिविडेंड में क्या होता है कि ए के अगर प्लस में अगर बी जोड़ेंगे तो नीचे भी ए के माइनस में बी जोड़ देंगे तो वो इक्वल होगा सी प्लस डी इक्वल टू में सी माइनस डी के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये दोनों टर्म इक्वल है मतलब a बाई बी और c बाई डी की इक्वल है, तो a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इक्वल होता है c प्लस डी और c बाई डी की, और ये इक्वली होता है a बाई बी के ठीक है। अब देखो करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो करो ऊपर करो साइन x प्लस में y प्लस में साइन x माइनस में y अपॉन में साइन x प्लस में y माइनस साइन एक्स माइनस में वाई, इधर क्या आ जाएगा ए प्लस में बी अपॉन में ए माइनस में बी। आप क्या करता हूँ ये तो सेम ही रहेगा तो इसको तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और आगे सोल्व करने लग जाता हूँ। चलो ये हमारी टर्म यहाँ तक थी, उसके बाद देखो ये साइन सी प्लस डी है ठीक है, तो कैसे होगा साइन साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है कि टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू में कोस सी माइनस डी बाई टू, करो साइन सी प्लस डी टू इंटू में साइन सी प्लस डी एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स माइनस में वाई अपॉन में टू इंटू में कोस एक्स प्लस में वाई माइनस एक्स माइनस में वाई अपॉन में टू। नीचे क्या होगा, नीचे भी सेम होगा सी प्लस डी साइन सी माइनस डी, हाँ साइन सी माइनस डी, तो इसका क्या होगा टू कोस एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स माइनस में वाई अपॉन में टू, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस होगा साइन एक्स प्लस में वाई माइनस एक्स प्लस में वाई अपॉन में टू ठीक है। वाई से वाई कैंसिल, यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ पे वाई से वाई कैंसिल, यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया टू एक्स अपॉन में टू, दो एक एक्स बच गया, दो से दो कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच गया साइन एक्स, यहाँ क्या बच गया कोस वाई, क्योंकि दो वाई से एक नीचे वाला दो कट जाएगा, नीचे क्या बच गया हमारा कोस एक्स और यहाँ की क्या बच गया हमारा साइन वाई इज इक्वल टू ए प्लस में बी, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन में बी ठीक है। अब देखो कोस साइन अपॉन में कोस टेन एक्स और नीचे साइन अपॉन में इसकी नीचे ले ला सकते हैं हम, इसको ला सकते हैं वाई कोस वाई, तो यहाँ पे टेन वाई
इज इक्वल टू है ए बाई बी, इज इक्वल टू है ए बाई बी के। ठीक है, तो मैंने आज मिसलेनियस क्वेश्चन करवाए आप सभी को। इन क्वेश्चन में आप किसी को दिक्कत आए तो आप कमेंट कर देना कि सर यहाँ पे दिक्कत आई, यहाँ से मेरे को समझ में नहीं आया। आपको एक ब्रीफ चीज तरीके से बताई, मैंने तो कोशिश की कि एक तरीका अच्छे तरीके से बताऊँ, डिस्क्राइब करके बताऊँ अच्छे तरीके से, फिर भी आपको दिक्कत आई तो आप कमेंट कर दिया करो। ठीक है, आपकी हर क्वेरी का सोल्यूशन किया जाएगा। और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हमारी वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद।